अभी बहुत लड़ाई बाकी है, तुम इतनी खुश दिखोगी तो कैसे चलेगा? अब खुश हूँ तो क्या करूँ? कैसे हैं आप सब दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म छपाक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना है और ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार, फिल्म को प्रोड्यूस किया है फोक स्टार स्टूडियो और दीपिका पादुकोण ने मिलकर। बात की जाए लेखक की, इस फिल्म को लिखा है आतिका चौहान, मेघना गुलजार, फिल्म म्यूजिक दिया है शंकर ऐशान लाय ने। इस फिल्म की रनिंग टाइम काफ़ी सीमित रखी गई, इस फिल्म की रनिंग टाइम है लगभग 120 मिनट। दोस्तों इस फिल्म की जर्नल थी, यह फिल्म एक रियल स्टोरी पर आधारित थी, इस फिल्म में एसिड अटैक से दिखाया गया। अगर बात की जाए इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट की, तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है फोक स्टार स्टूडियो। दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। दोस्तों जेएनयू कैंपस में शिकार हुए छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाने के कारण दीपिका पादुकोण छपाक मूवी का प्रमोशन के लिए गई थी जेएनयू, इसलिए इन फिल्म का आम दर्शक बायकॉट नज़र करते आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की बजट की, तो इस फिल्म की बजट है लगभग 40 करोड़ प्लस, और यही इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग में खर्च किया, यानी कि प्रचारी में खर्च किया लगभग 8 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 48 करोड़। बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग की, तो दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया स्क्रीन मिली थी। जिस हिसाब से इस फिल्म का विरोध हो रहा था उस हिसाब से इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया स्क्रीन मिली। इस फिल्म को इंडिया में 1800 से 1900 स्क्रीन मिली, तो वहीं ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म को स्क्रीन मिला था लगभग 500। टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होता है लगभग 2500। अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म ने अपने राइट्स बेच कर ऑलरेडी कितने इकट्ठे किए। दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म के राइट्स भी कहते हैं लगभग 15 करोड़ में, डिजिटल राइट्स भी कहते हैं 20 करोड़ में। बात की जाए म्यूजिक राइट्स की, इस फिल्म की म्यूजिक राइट्स भी कहते हैं 4 करोड़ में। टोटल इस फिल्म ने ऑलरेडी पहले इकट्ठे कर लिए थे लगभग 39 करोड़। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म ने फर्स्ट डे इंडिया में कलेक्शन 4.77 करोड़ का, वहीं ग्रॉस से यानी कि वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ के आसपास। बात की जाए दूसरे दिन थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 6.50 करोड़ का, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 3 करोड़ के आसपास। दोस्तों तीसरे दिन फिर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ के आसपास, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 3.15 करोड़। दोस्तों बात की जाए चौथे दिन इस फिल्म में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जिस हिसाब से इस फिल्म का विरोध हुआ था उसी का असर इस फिल्म पे सीधे पड़ गया। चौथे दिन इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 3 करोड़ का बिजनेस किया, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1.20 करोड़ का। बात की जाए पाँचवें दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 2.35 करोड़ का, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1.15 करोड़। दोस्तों छठवें दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 2.20 करोड़ का, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ के आसपास। दोस्तों इस फिल्म ने टोटल 6 दिनों में इंडिया से कलेक्शन किया लगभग 25.60 करोड़ का, वहीं ग्रॉस से कमाया लगभग 12.50 करोड़ का। दोस्तों इस फिल्म के 6 दिनों में इंडिया वर्ल्ड वाइज कलेक्शन होते हैं लगभग 28.10 करोड़ का। दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म कितना और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।